I am Mrs. Ekta Gaur with the extra and important questions of the biology chapter 5, the fundamental unit of life. Already I have given the very short important questions to you. Now in this I am giving you the easy kind of short questions. Okay. So as short answer questions will carry the 3 marks. तो ये थोड़े easy हैं, ठीक है? तो आपको इजी भी इंपॉर्टेंट में बताऊंगी और डिफिकल्ट भी बताऊंगी. सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1. सेल साइज मे रेंज फ्रॉम अ फ्यू माइक्रोमीटर टू अ मीटर. सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. अब जो सेल साइज है वो माइक्रोमीटर से कितने मीटर तक हो सकता है? दैट मीन्स कि जो बहुत स्मॉलेस्ट सेल है वो आपसे पूछा जा रहा है और जो बिगेस्ट सेल है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? तो इफ यू नो द आंसर जस्ट ट्राई टू राइट आंसर, अदरवाइज आई एम गोइंग टू शो यू. तो आप उसको लिखेंगे और फिर याद करेंगे. सो एज मैनी सेल्स आर विजिबल ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप. बहुत सारी सेल्स हैं जिनको हम केवल केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल. माइकोप्लाज्मा PPLO भी बोलते हैं हम इसको. इट इज वेरी माइन्यूट एंड द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल और न्यूरॉन. और जो लॉन्गेस्ट सेल है वो हमारी ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम नर्व सेल बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है? ये वही सेंसेशन है जो हमारी बॉडी को इस समय भी स्टडी करने के लिए कैपेबल बनाता है. तो आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड द लॉन्गेस्ट सेल इज इन द ह्यूमन बॉडी एंड इट इज कॉल्ड नर्व सेल एंड अनदर नेम इज न्यूरॉन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस. व्हाट हैपेंस टू अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वॉटर, ठीक है? आपको प्लाज्मोलिसिस मैंने बताया भी था, तो जिन बच्चों को ये डेफिनेशंस याद है वो लिखेंगे यहां पर अपने आप. थोड़ा जल्दी से लिखिए. और यदि हम उसको हम वाटर के अंदर रखते हैं तो उस सेल के साथ क्या होगा? चलिए आंसर देख लेते हैं. सो व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट from the cell wall in presence of hypertonic solution due to exoosmosis is known as plasmolysis, ठीक है? तो shrinkage कब होता है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है shrink word is related to the hypertonic condition of the solution, ठीक है? इस shrinkage कब होगा? जब water बाहर की तरफ निकलेगा, cell में से बाहर की तरफ जाएगा, यानी वो क्या करेगा? Exoosmosis करेगा. तो वो प्रोसेस प्लाज्मोलिसिस कहलाता है, ठीक है? इट इज अ नेचुरल प्रोसेस इनटू द प्लांट्स. ये प्लाज्मोलिसिस जब प्लांट को वाटर नहीं मिलता है तो ये नेचुरल होता ही रहता है प्लाज्मोलिसिस, क्योंकि कम पानी में भी प्लांट एक या दो दिन या विद इन 6 days भी लाइव रहता है और वो बहुत आसानी से डेड कंडीशन में नहीं आता है. नाउ सी वॉट हैपन्स टू अ प्लाज्मोलाइट सेल when it is placed in water. So when a plasmolyzed cell is placed in water, the concentration of water in the outside medium is more than the concentration in the cell. Hence, water moves inside the cell leading to its swelling. तो अभी मैंने आपको बताया कि plasmolysis actual में क्या condition है, जब plant को पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है? अब हमने उस plasmolyzed cell को water में रख दिया तो automatically क्या होगा? जैसे कि प्लांट को हम पानी देते हैं तो वो पानी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर भी जो सेल्स होंगी, जो श्रिंक सेल्स हैं, वो स्वेल हो जाएंगी. अब यहाँ पर किस कंडीशन से स्वेलिंग हो रही है? बिकॉज ऑफ द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि अब हमने बाहर का कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से बढ़ा दिया है, ठीक है? सो दैट इज द हाइपोटोनिक कंडीशन. तो प्लाज्मोलिसिस में यदि हो रहा है तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, और यदि वो प्लाज्मोलिसिस हो रहा है तो दैट मींस द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन
is leading the process. Now see the question number 3. What is plasma membrane? What are its function? Very very important question बच्चों. ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड हर पॉइंट एक क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ भी मैं जितने पॉइंट्स आपको बता रही हूँ वो एक इंडिविजुअल क्वेश्चन की तरह भी आपसे पूछा जाता है. सो जस्ट सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल दैट सेपरेट्स इट्स कंटेंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर लेयर बना रही है जिससे कि जो भी कंटेंट है, जो सेल के अंदर कंटेंट है, वो बाहर के मीडियम के टच में नहीं आते हैं. तो ये इसकी सेकेंड स्पेशलिटी हो गई. थर्ड इज ऑलरेडी इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आई टोल्ड यू द कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल बैरियर टू प्रोटेक्ट द इनर कंटेंट्स ऑफ द सेल. अब जो भी कंटेंट है, जो भी अंदर कंटेंट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या काम करती है? मैकेनिकल बैरियर का काम करती है. वो इसकी परमिशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिशन के बिना कोई भी मॉलिक्यूल ना तो अंदर जा सकता है और ना ही अंदर से बाहर आ सकता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल. एस इट एनक्लोजेस द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. आपको जब सेल का मैंने डायग्राम बताया था तो मैंने उसमें दिखाया था कि न्यूक्लियस अंदर होता है, वो सी यूनिट होती है, सर्कल शेप में होती है, और साइटोप्लाज्म इज दैट फ्लूइड व्हिच इज फिल्ड इनसाइड द सेल. तो वो दोनों ही किससे कवर रहते हैं? दे आर कवर्ड बाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने 5 पॉइंट्स दिए हैं. तो 5 पॉइंट्स आर जस्ट लाइक 5 स्मॉल क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू यू मीन बाय अ न्यूक्लियोइड? सो न्यूक्लियोइड, आपने न्यूक्लियस टर्म पढ़ी है और एक न्यूक्लियोइड टर्म पढ़ी है, तो यहाँ आपको न्यूक्लियोइड बताना है. तो न्यूक्लियोइड इज द अनडेवलप्ड कंडीशन ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, एज न्यूक्लियोइड इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है. आपको मैंने डिफरेंसेस कराए हैं, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था. लेकिन जो न्यूक्लियोइड होता है, इसमें जितना भी न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्मिक स्कैटर्ड फॉर्म में होता है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड. सो सच एज अनडिफाइंड एंड इनसिपिएंट न्यूक्लियर लेसन कंटेनिंग ओनली नेट न्यूक्लिक एसिड्स विदाउट एनी मेम्ब्रेन कवरिंग दैम इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड. ठीक है, तो जहां पर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड. सो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. सो यू ऑल हैव टू लर्न